बिरयानी बन रही है। हाँ मौसी, हमारी मास्टर शेफ यहाँ। बढ़िया मौसी, तड़के लगाते हैं मस्त। बुआ और मीशू सेटअप कर रहे थे। सीरियसनेस सेटअप कर रहे हो। इटली में ऐसे खुशबू ले रही, इतनी मस्त खुशबू आ रही है इसकी, पूरे मतलब घर में इसकी कितना जायकों की खुशबू फैल रही है। वाह मौसी वाह। मम्मी हेलो गाइस बोलिए। ये देखिए दो मास्टर शेफ जो मेरे किचन का हालत बुरा करके रखा है दोनों ने मिलके। मौसी ब्लॉगिंग करने लगी है। ये हमारे पसीने का है। सब लोग बैठे हैं। बताओ क्यों बैठे? मेरा गाना सुनने के लिए। आज ये सो रही, कैसी ऑडियंस है? गाना सुनो, मैं गाना गाने वाली हूँ अभी। कौन सा गाना गा रही है? मैं आज गाऊंगी लोटा 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 लोटा। मेरे गाने के लिए, मेरे गाने के लिए आज देख रहे हो कितनी ऑडियंस बैठी है। जान लोटपोट हो गया इसको बहुत मजा। हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी सिन्हा एंड आई होप यू गाइस आर गोइंग गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ्स। वेल आज मेरे घर में बन रही है दावत। मेरा मौसी क्या है ये सब ने हंस रहे हैं। सबकी हंसी रुक नहीं रही है। मैंने कहा आज ब्लॉग बना लेते हैं क्योंकि आज बन रही है बिरयानी और फिर रात में भी आज बहुत कुछ बनने वाला है। मतलब मैं बनाऊंगी स्पेशल मास्टर शेफ। सब क्या बोल रहे हैं भाई? श्रीवास्तव रसोई मतलब मौसी को कह रहे कि आज इनकी रसोई में दावत है। प्यार से बोलो, प्यार से। बहुत प्यार से ये लोग प्याज काट रहे हैं। एक और था सारथी लेकिन वो आज एक देखो अकेले छोड़ के जाएंगे। इतने प्याज आज बिरयानी बन रही है। हाँ मौसी, हमारी मास्टर शेफ क्या कर रही हो? वाह, चिकन मैरिनेट करके रखा। सारे वेजिटेरियंस जो है ना ओहो, मतलब फुल आज दावत है घर में। जिसको आना है मेरे रसोई में आए, आज बिरयानी दावत है। हाँ दावत कर रहे हैं मोहा जी अभी घर में। क्या कहेंगे मोहा जी आज आपका इतना कठिन काम कराया गया? इसके बाद खाने में बहुत स्वाद आएगा। मेहनत का है। विशु हाय गाइस। वो कुछ नहीं खाता है। धनिया पत्ता की बारी नहीं, ये पुदीना है ना? गलत बोल रही है। वो तो पुदीना है ये। अनन्या पांडे बनती जा रही हूँ। इसको तोड़ूंगी। इसको मौसी ने बोला इसकी मतलब इतना भारी काम दिया है मुझे, देख लो। कि इसमें से पत्ते अलग करने हैं। टीडीएस जॉब है ये। मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ही मैं ब्लॉग कर लिया ऐसा उठ के भग गया। देख रहे हो गाइस क्या करे, सब हंस रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अभी मैं अपने हाथ से इसको जब तोड़ूंगी ना, इसका असली स्वाद आएगा तब। यहाँ बढ़िया मौसी तड़के लगाते हैं। और ये हमारी मास्टर शेफ, ये पूरे मस्त। ओहो मतलब देखने में ये पका भी नहीं है गाइस, इतना टेम्पटिंग लग रहा है। मौसी कुछ बोलो, अपना डिश बताओ। आपका रसोई है आज नेहा श्रीवास्तव की रसोई। हैदराबादी चिकन बन रहा है। बिरयानी चिकन बिरयानी चिकन बिरयानी हैदराबादी चिकन बिरयानी। हाँ ये कर रही हूँ बताओ तो। ये फर्स्ट टाइम है, पता नहीं कैसा बनेगा। हमें यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस है मौसी, आप बना लोगे। दूसरी शेफ। अरे ये मेरे को चिकन का टेस्टिंग कर रही हूँ कि बोला वो चेक कर रही हूँ टेस्टिंग की सही बनानी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, वो नमक खराब हो गया या वो ज्यादा हो गया, ये बहुत क्रूशियल रोल होता है इसका टेस्टिंग करना। वाह वाह वेरी गुड, बहुत अच्छी मस्त खुशबू आ रही है। ओके गाइस, अभी मैंने अपने आई पैचेस लगा रखे और इट्स टाइम। अभी ग्रैनोला बाइट्स भी खा रही हूँ, साथ में मौसी के भी आने में टाइम लगेगा। बट अभी फिलहाल के लिए हम अपना कैरम मैच शुरू करें। लेट मी शो यू।
मस्त बुआ और विशु सेटअप कर रहे थे, सीरियसनेस से सेटअप कर रहे हो। कुछ बोल लो विशु। तुम क्या कर रहे हो? ये कैरम का पाउडर डाला तो तभी फिसले, ताकि स्मूथनेस आए। स्मूथनेस आए, ओहो फुल मतलब एकदम गेम सेटअप हो चुका है। अब जिसकी सबसे सबसे छोटा उसी की बारी है। yes. फिर मेरी, फिर आपकी, फिर बुआ की। ओके बुआ बहुत ओल्ड है, बूढ़ी बना दी बड़े। कहाँ ओल्ड है कौन मतलब बताओ? उनकी एट मेरा कह रहे थे 18 इयर्स की है ये। ये झूठ है। चलो मेरे बारी है। 25 है। चलो गाइस मैं अपना खेल रहा हूँ, चलो मेरी बारी है। वाओ आप खुशी दीदी आपकी बारी है, चलो चलिए खुशी दीदी की बारी है तो ये मेरी बहुत मस्त मारी है। देखो बुआ को क्या बसी, अभी मौसी भी बुला रही है उनके हेल्प के लिए। तो तक वो एक मिनट आ तो फाइनली एक गोटी देना पड़ेगा। माइनस शॉट तो खिले खिले बढ़िया चावल। ओह हो लिटरली में ऐसे खुशबू ले रही, इतनी मस्त खुशबू आ रही है इसकी, पूरे मतलब घर में इसकी कितना जायको की खुशबू फैल गई है। वाह मौसी वाह, गुड जॉब। हमारा गेम पॉज पे हो गया है क्योंकि एक मीश हो यू खड़ा यहाँ चल रही है गजब लेवल की लेयरिंग बिरयानी की। ब्लॉग दिखाएंगे दादी ना, आप ब्लॉग में बोलो हेलो गाइस। बोलिए ना एक बार हेलो गाइस, बोलिए ना मम्मी हेलो गाइस बोलिए। ये देखने में कितना मस्त लग रहा है गाइस। अभी इसको और को करोगे ना मौसी? उसको आपको ये करेंगे दम लगाएंगे। दम लगा दम लगाना क्या होता है तो बताओ, मुझे नहीं पता दम लगाना क्या होता है, हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए दम लगाना क्या होता है। पकाएंगे ओके गाइस, इनको फिर से हम एक बार पकाएंगे, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। देखो गाइस दम लगता कैसे है सब दिखाएंगे आज। मैं आज मेरा चैनल कुकरी चैनल बन चुका है आज, और शेफ है हमारी प्रिय मौसी। यहाँ करिए गैस ऑन करके रख दी है। गाइस बिरयानी इज रेडी, इतनी मस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही सुंदर भी लग रही है ये। ओके गाइस तो आज ना बहुत होलसम फैमिली ब्लॉग होने वाला है। ये देखो नानी, नानी बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। नाना जी कहाँ? नाना जी, नाना जी नीचे गए, मिस्त्री लगा हुआ ना नीचे चले गए। ओके आज बहुत ज़्यादा मतलब होलसम फैमिली डे चल रहा है गाइस, पूरा फैमिली बैठ के हम लोग कैरम खेल रहे हैं, फिर बिरयानी बना रहे हैं, आज अच्छा जा रहा है सब। ओके गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ चिकन पास्ता, सो आई विल बी मेकिंग लाइक अ चिकन एल्फ्रेडो स्पेगेटी पास्ता। अच्छा सा नाम है, एक ही पास्ता है। मौसा जी कह रहे थे इतने अलग अलग क्यों बनाने, एक ही बनाओ। बट हाँ तो अभी उसी के लिए हम चल रहे हैं शॉपिंग करने रिलायंस में यहाँ पे। एंड तुम जैसे देखो विशु कहाँ झाँक रहा है, सब मेरे को ऐसे झाँकते रहते मैं ब्लॉग बनाती तो। और ये मुझे कह रहा है कि आप रेस लगाओ मुझसे, मतलब ये छोटे छोटे नमूने से बच्चे हमें आगे कहेंगे रेस लगाओ रेस लगाओ। क्या करें, इनको कौन बताया कि हम बहुत अपने टाइम पे अच्छे साइकिलर थे। आई यूज टू डू साइकिलिंग अ लॉट जब मैं छोटी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करती थी। बट अब तो क्या ही करते हैं, स्कूटी भगाते हैं अब तो, और अब तो स्कूटी भी नहीं भगाते, इस मेट्रो में खुद भाग रहे होते हैं। बट स्टिल ओके अभी चलते पहले शॉपिंग करें।
घर के पास तो ही नहीं, मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। चीज डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि सारे ऑप्शंस में से कौन सा ले जाऊँ। यहाँ पे और ये क्या है? एक पेंसिल है, एक ये मेरा फेवरेट है ये, और ये साफ करने वाला सब है। ओके गाइस, शाम हो चुकी है। यहाँ मैंने स्पेगेटी पास्ता बॉईल करने के लिए डाल दिया, यहाँ थोड़े से गार्लिक चॉप कर लिए हैं और बहुत सारा मस्त हम लोग और भी चीजें खाने के लिए लाए हैं। कैंडल जो पूरा तो मस्त सेटअप करेंगे खाने का आज हम। मतलब अच्छा पता नहीं क्यों ये सब रेंडमली हुआ कि चलो लेट्स मेक सम गुड फूड, और मौसी ने बिरयानी से शुरुआत करी थी। मैंने कहा चलो मैं पास्ता बनाती हूँ ये वो ये वो, तो अभी वही चला है। वो मेरी हेल्प कर रही है वहाँ पीछे, बट हाँ करते हैं काम। ओके तो पास्ता बनाने के लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। ओके तो स्पेगेटी पास्ता जो ये मैंने इसको बॉयल कर लिया, उसको वॉश भी कर लिया ठंडे पानी से तो उसे चिपके ना ये। एंड इसमें वॉश करते टाइम पे मैंने इसमें ऑलिव ऑयल और सब थोड़ा डाला था, फिर ऑफकोर्स सॉल्ट, चीज़, ये ब्लॉक चीज़ है, मैगी मसाला, मैं हर चीज़ में डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर उसके ये अपना ऑप्शनल है, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये मैं खुद से डालती हूँ। देन इट्स बटर, फिर यहाँ पे इसमें मैंने डाला है थोड़े से काली मिर्च, वो कूट लूँगी। एंड देन ऑफकोर्स ये थोड़ा सा पिज्ज़ा मिक्स, और ये ओरिगैनो का काम भी करता है, तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। चिली फ्लेक्स, गार्लिक, यहाँ पे थोड़े से और स्लाइस चीज़, ये स्टार्च है जो हमने इसमें से निकाला था। एंड ये रहा हमारा क्या कहते हैं कहिए कॉर्न, एंड इसको ऑयल स्वीट कॉर्न, और ये ऑलिव ऑयल या फिर बोल लो। और ये चिकन है जो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता था देखना, तो उसको दिखानी रही थी, बट इसको सॉटे करेंगे अभी हम। तो ये मैंने व्हाइट सॉस अपना रेडी कर लिया है, तो मस्त थिक सा रेडी है। उसमें मैंने गार्लिक डाला है, एंड मैंने मतलब व्हाइटी शॉर्ट्स में इसका फुल रेसिपी अपलोड करूँगी, तो देख लेना इफ इन केस यू वांट टू चेक कि मैं कैसे बनाती हूँ। बट हाँ ये मैंने इसमें मतलब कुछ नहीं किया, तो उसमें मैंने सिर्फ अभी बटर डाल के गार्लिक सॉटे करके फिर मैदे से मैंने इसका व्हाइट सॉस बनाया। ये देखिए दो मास्टर शेफ जो मेरे किचन का हालत बुरा करके रखा है दोनों ने मिलके। मौसी ब्लॉगिंग करने लगी है, ये हमारे पसीने का है स्पेगेटी पास्ता, हम अपने पसीने से बना रहे हैं। सॉरी जी। और मेरे किचन का पूरा हाल। मौसी थोड़े टाइम के लिए बाहर गई थी, फ्रेश क्रीम डालना है बस, कपड़ा ये चिकन मुझे नमक डालो और जन भी डलेगा इसमें, लास्ट में नहीं आ रहा बिल्कुल, लास्ट में डालेंगे तोड़ के डालो इसको। अरे वही तो इसलिए मैं हाथ से डालती थी, हाथ गंदा हो रहा था मेरा, कितना क्यों सुखमा शक्ल देखो कितनी क्यों कर दिया, डाल दिया सही है। ये देखिए शिन्ना ने नमक डाला, इतना क्यों हो गया ना गाइस, ये इतना क्वांटिटी बन रहा है, लग रहा है कि गांव में बांट ले सके। दो घंटे से है ना ये लोग, दो घंटे से किचन में लगे हुए हैं, मैं मार्केट से भी घूम के आ गई और ये लोग अभी तक खाना नहीं बना। ऊपर से मत डालना बिल्कुल नहीं डालना, हमारी शक्ल ऐसे दिखाओ ऐसे, हमारे मौसी को ब्लॉगिंग करना सिखा रहे हैं ब्लॉगिंग। और ये देखो इतना प्योर हो रखा है, चिकन सॉल्टे हो गए, इधर हुआ हो गया वो ना, अब इसमें कलर भी सही आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आई पूरे घर में, लेकिन मेहनत इतनी लगी है, सॉस कम पड़ गई, फिर हमने दोबारा सॉस बनाई पूरे तीन घंटे। मैंने कितने बजे गई थी मार्केट, पहली वीडियो देखेंगे कितने बजे स्टार्ट हुई है, फिर उसके बाद देखते हैं। हाय गाइस, यहाँ पे आज कुछ इटालियन बन रहा है, बहुत ही खतरनाक सफेद सफेद का, क्या पता नहीं क्या नाम बताइए ये। क्या है ये सफेद सफेद, ये बन रहा है कैसा, मैं खुद ही भूल गई, अल्फ्रेडो जेल फ्रेडो चिकन अल्फ्रेडो स्पेगेटी पास्ता, ये चिकन हमारा बन रहा है, बड़ी मेहनत से बन रहा है। सब हमारे घर में ब्लॉगिंग करने लग गए हैं, बना कौन रहा है, ये बना रही है, आज ये नहीं होती तो हम बना ही नहीं पाते, बहुत मुश्किल था, पसीने छूट गए दोनों के, पूरा फैमिली वीकेंड चल रहा है भाई। इतना तो बिरयानी में नहीं हुआ, बिरयानी में हमने कुछ नहीं, मौसी को तो हुआ था।
फैंटास्टिक। ओहो, ये फुल वाइब है गाइस। इधर आज पूरा हमने ये ब्राउनी, इसके ऊपर भी आइसक्रीम लगेगी, हमने गरम करा है, और ये मौसी बढ़िया खा रही है। कैसा लग रहा है? वेरी, क्या बोले, टेस्टी, डेलिशियस। मैं कह तो रही अनुपमा के बाद मुझे सुपरस्टार स्टेप जीतना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, बहुत मस्त। मीशु, do you like it? इसका तो पूरा फेस देखो। Yes, I love it. I love it. I like it. Okay, वो आप भी बताइए दो मुझे बात। Mama mia. I love it. आखिरी पास में। Mama mia. Smell good. Taste good. रात में चढ़ेगी, बहुत मस्त चढ़ेगी। आज मौसी मस्त नशे में है। किस चीज की है? Red wine पी रही हूँ। सब अच्छा, ये पर भी इसके बाद ब्लॉग में सब नाश्ते में मिलेंगे। सब लोग बैठे हैं। बताओ क्यों बैठे? मेरा गाना सुनने के लिए। आज ये सो रही, कैसी ऑडियंस है? गाना सुनो, मैं गाना गाने वाली हूँ अभी। टमाटर टमाटर मुझे लगा टमाटर लाने। आज मैं सबको अपना, आज मैं सबको अपना सुर सुनाऊंगी। आर यू गाइस रेडी? तो हुटिंग हुटिंग करो। आज आठवां सुर लगेगा। गीतकार गायिकाएं हैं जो अपने गीत पेश करेंगी। कौन सा गाना गा रही हैं? मैं आज गाऊंगी छोटा लोटा। ये कौन सा गाना है? ये सब मेरे को लोटा 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 लोटा। ओके, गाना कुछ और को गाना लोटा लोटा। ये गेस द सिंगर इन कमेंट सेक्शन गाइस। सब अंडर एस्टिमेट कर रहा है मुझे अभी। अब मैं गाना शुरू करती हूँ मेरे गाने के लिए। आज देख रहे हो कितनी ऑडियंस बैठी है। ये क्या गिलास लेके बैठे हो? क्या गिलास बुलाओगे क्या इसमें? अरे आई ले, ये सुनो, अच्छा कर रहा है। अच्छा, बजर 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 भी लग गया गाइस। मैं स्पॉटलाइट पे आ चुकी हूँ। मैं अब शुरू करते हैं। मैं अपने गुरु जी का नाम नहीं ले सकती, अभी तो है ही नहीं। गुरु जी का नाम लेती हूँ मैं अपने, चाहत अली खान। बदोबती। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नहीं अब अच्छा गाऊंगी, अब असली राहत अली खान गाती हूँ। नहीं, मैं वो देखो जज देखो बैठे कि शुरू कब होगा। बजर के साथ ये यस बजर है, ये नो बजर है। चलो शुरू करते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी जब लोटपोट हो गया। इसको बहुत मजा। मैं इतना अच्छा सुन रहा हूँ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल ने मेरी थामी तेरे, हो सीने जैसी हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मन के दिल का कहां, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिल रुबा,
तेरा ये जादू तेरी आंखों का कि तेरा बिस्मे हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी विनर विनिंग प्राइस वाह वाह कैसा लगा कमेंट में बताना। अभी यार वॉइस में बहुत बेकार आती है। और रिव्यू बताओ कैसा लगा कैसा गाया। 10 पॉइंट आई गिव इट 10 पॉइंट। वो बताओ कैसा गाया ये क्या स्पीचलेस हो गए सब। अच्छी आवाज है वाह देख रहे हो। अब मुझे लग रहा है कि मैं मुंबई आ सकती हूँ लेकिन मैं पैदल आऊंगी। जब तक ज्यादा हो गया मुंबई नहीं।